करो या मरो की स्थिति में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर लिया है। एस दयाल के आखिरी ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 17 रन की आवश्यकता थी, लेकिन एस दयाल की शानदार गेंदबाजी के आगे चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज कुछ भी ना कर सके और आखिर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 191 रनों पर समेट दिया। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को कम से कम 218 रन के जवाब में 201 रन बनाने थे, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शानदार गेंदबाजी के दम पर 191 रनों पर चेन्नई की पूरी टीम सिमट गई। दोस्तों आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 218 रन बनाए, जिसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 191 रन ही बना सकी। चेन्नई सुपर किंग्स को अगर क्वालिफाई करना था तो 201 रन कम से कम इस मुकाबले में बनाने थे, उसके बाद वो मैच हार भी जाते तो भी क्वालिफाई कर जाते, लेकिन आरसीबी की शानदार गेंदबाजी रही और चेन्नई की टीम को 191 रनों पर रोक दिया। कहने को तो आरसीबी 27 रन से इस मुकाबले को जीत गया है, लेकिन असल मायने में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 9 रन से इस मुकाबले को जीते हैं। आखिरी ओवर में एस दयाल की शानदार गेंदबाजी रही, 17 रन डिफेंड करने के लिए एस दयाल ने अपनी जान झोंक दी और चेन्नई की पूरी टीम महज 7 रन ही बना सकी और 10 रन से इस मुकाबले को आरसीबी ने जीत लिया। इस जीत के साथ ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बन गई चौथी टीम क्वालिफाई करने वाली। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी, ये चार टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं।